बिजनौर उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के नेताओं व व्यापारियों का एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी से मिला और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश पंजीकृत के जिलाध्यक्ष मनोज कुछल, जिला महामंत्री मुनीष त्यागी, जिला कोषाध्यक्ष बीएस राजपूत, प्रांतीय उपाध्यक्ष रजनीश अग्रवाल व्यापारियों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिला अधिकारी उमेश मिश्रा को सौंपा। ज्ञापन में कहा कि चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद से चुनाव संपन्न होने तक चुनाव आयोग के निर्देशन पर चुनाव में इस्तेमाल किए जाने वाले अवैध धन को रोकने के लिए सघन जाँच की जाती है, परंतु जांच के दौरान चुनाव में प्रयुक्त होने वाले अवैध धन की जांच के साथ साथ व्यापारियों की गाड़ियों को लेकर रोक कर व्यापार संबंधित धन को भी सरकारी खजाने में जमा करा दिया जाता है, जिससे व्यापार का कारोबार रुक जाता है, जबकि अधिकांश व्यापारी बैंक से लोन और लिमिट लेकर अपना व्यापार चलाते हैं। चुनाव कार्रवाई को संपन्न कराने के लिए मंडी समिति की दुकान का अधिग्रहण प्रशासन द्वारा लगातार चुनाव में किया जा रहा है। चुनाव में मंडी समिति की दुकानों का अधिग्रहण करने से संबंधित व्यापारी का व्यापार पूरी तरह चौपट हो जाता है। चुनाव के कार्य को संपन्न कराने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। चुनाव के समय निजी उपयोग में आने वाली सवारी गाड़ियों कार के अधिग्रहण के लिए वाहन स्वामियों को नोटिस भेजे जाते हैं। अधिकांश वाहन स्वामियों के पास ड्राइवर नहीं होते, वह स्वयं अपनी गाड़ी चलाते हैं, जिसमें भारी संख्या सीनियर सिटीजन की भी है। यदि किसी व्यापारी को चुनाव के लिए मांग अधिग्रहण का नोटिस भेजा जाता है, वह अपनी दुकान बंद कर चुनाव कार्य के लिए गाड़ी लेकर नहीं जा सकता है। जी, आज ज्ञापन दे रहा है डीएम साहब, क्या मामला है? अभी सभी जानते हैं कि निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने वाली है, साथ ही व्यापारियों का उत्पीड़न शुरू कर दिया जाता है, जिसमें प्रमुख रूप से तो कैश, व्यापारी अपने व्यापार के लिए पैसा इकट्ठा कर जाता है, चेकिंग के दौरान रोक लिया जाता है। पिछले 2 से 3 चुनाव का पैसा भी व्यापारियों का डंप पड़ा है, सिर्फ चक्कर लगाने को तैयार है। दूसरे, आमतौर पर जब भी चुनाव होता है तो ये मंडी समिति और अन्य सरकारी दुकानें अधिग्रहित कर ली जाती हैं। अब चूंकि सारा किसानों की फसल बाजार में आ चुकी है, ऐसे में कोई भी किसी जो दुकान इन्होंने रेंट पर दे रखी है अपने व्यापारियों को, वो किसी भी सूरत में अधिग्रहित ना की जाए। तीसरे, चुनाव आया और वाहन अधिग्रहण का काम शुरू, कई बार ये प्राइवेट वाहन वालों को भी नोटिस देते हैं, 90% वाहन स्वामी चालक नहीं रखते हैं, ऐसे में वो अपना व्यापार बंद कर या अपने वृद्ध माँ बाप बीवी बच्चों को छोड़कर कहाँ गाड़ी लेकर धक्के खाए, तो यह सब पर रोक लगाए जाने की मांग को लेकर आज हम व्यापारी आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। माझी मुंबई माझं घर किंग्स माय होम सॅन सोनाबट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा, आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 67 लाखांपर्यंत सर्व करा सहित। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।